बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैथमेटिकल मेथड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैथमेटिकल मेथड्स विद चैप्टर नंबर 8 इन फाइनाइट सीरीज, विद चैप्टर नंबर 8 इन फाइनाइट सीरीज जी एक्सरसाइज 8.5। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। आपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। भैया हमने क्या निकालना है? फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 10, समेशन एक्स की पावर एन ओवर एल एन एन की पावर एन। भाई एक्स की पावर एन ओवर एल एन एन की पावर एन, वी टेक इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। एक्स मोड की पावर एन और एल एन एन की पावर एन जी। यहाँ पर हमने रूट टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस लगाया, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन की पावर वन ओवर एन, ए एन की वैल्यू रखी। भाई सिंप्लीफाई क्या, वी गेट लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स मोड ओवर एल एन एन। भाई लिमिट अप्लाई की, समथिंग ओवर इन्फिनिटी जीरो लेस देन वन। अब भाई देखें आंसर लेस देन वन आ रहा है, सो बाय रूट टेस्ट। भाई सो बाय रूट टेस्ट क्या होगा? गिवन सीरीज इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। भाई गिवन सीरीज कन्वर्ज करिए एब्सोल्यूटली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, लिहाजा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा आपका? इन्फिनट। और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा माइनस इन्फिनट से प्लस इन्फिनट। भाई रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा इन्फिनट और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा माइनस इन्फिनट से प्लस इन्फिनट। भाई रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा इन्फिनट और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा माइनस इन्फिनट से प्लस इन्फिनट। क्वेश्चन नंबर 11, वी हैव समेशन 1 टू इन्फिनिटी एन की पावर एन, आगे एक्स प्लस 1 की पावर एन। भाई एन की पावर एन, एक्स प्लस 1 की पावर एन, वी हैव एब्सोल्यूट वैल्यू एन की पावर एन, आगे एक्स प्लस 1 की पावर एन। भाई वी अप्लाई रूट टेस्ट, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन मोड पावर 1 बाई एन। भाई कैंसिलेशन के बाद आई गेट दिस, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन इंटू एक्स प्लस 1 का मोड। अब जब देखिएगा एक्स प्लस 1 का मोड बाहर निकालना जी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। भाई यहाँ से थोड़ी सी डिस्कशन हम करेंगे, जब x माइनस 1 है, जब x क्या है माइनस 1 है, जब x क्या है माइनस 1, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन मोड पावर 1 ओवर n क्या होगा? जीरो। यहाँ पे माइनस 1 रखोगे, माइनस 1 प्लस 1 जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो। और जब x इज इक्वल टू 1 होगा जी, जब x इज इक्वल टू क्या होगा 1, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन मोड 1 ओवर n इज इक्वल टू इन्फिनिट आ जाएगा। भाई आपको पता है हमारा ताल्लुक है कन्वर्जिज एब्सोल्यूटली, देयर फोर गिवन सीरीज इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट फॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। भाई जरा देखिएगा, देयर फोर गिवन सीरीज इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट फॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 एंड डाइवर्जेंट फॉर एक्स मोड इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 एंड डाइवर्जेंट फॉर एक्स मोड इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। भाई माइनस 1 के ऊपर कन्वर्जिज एब्सोल्यूटली, भाई माइनस 1 के ऊपर क्या कह रहे हैं? कन्वर्जिज एब्सोल्यूटली। भाई माइनस 1 के ऊपर क्या हो रहा है? कन्वर्जिज एब्सोल्यूटली जी। भाई माइनस 1 के ऊपर है कन्वर्जिज एब्सोल्यूटली जी। एंड डाइवर्जेंट जब एक्स मोड नॉट इक्वल टू माइनस, माइनस 1 के अलावा सब के ऊपर डाइवर्ज करेगा जी। भाई माइनस 1 के अलावा सब के ऊपर क्या करेगा जी? डाइवर्ज करेगा जी। दस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा जीरो। भाई एक पॉइंट है ना, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? जीरो। एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है जी, जब रिड्यूसेस टू द पॉइंट माइनस 1। भाई वो सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर बनेगा ना, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस रिड्यूसेस टू द पॉइंट माइनस 1 आर माइनस 1 टू माइनस 1 विद क्लोज इंटरवल। भाई माइनस 1 टू 1 माइनस 1 विद क्लोज इंटरवल जी। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्योंकि एक पॉइंट है तो भाई क्या होगा? जीरो का जी। भाई क्या होगा? जीरो का। और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस रिड्यूसेस टू द पॉइंट माइनस 1 आर माइनस 1 टू माइनस 1 क्लोज इंटरवल। नो वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। बाई समेशन 1 टू इन्फिनिटी 2 की पावर एन एक्स मनफी 3 की पावर एन ओवर एन का स्क्वायर। बाई 2 की पावर एन एक्स मनफी 3 की पावर एन ओवर बाई एन का स्क्वायर। बाई वी हैव ए एन की एब्सोल्यूट वैल्यू। भाई जब एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी 2 की पावर एन एक्स मनफी 3 की मोड पावर एन ओवर एन का स्क्वायर। भाई वी हैव लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी ए एन मोड पावर 1 ओवर एन। भाई जन पावर क्या होगी जी? 1 ओवर एन।
they can limit n approaches to infinity. We have an power 1 over n. After cancellation, I get this here. By limit n approaches to infinity 2 into x minus 3 come out over n ka square and power 1 over n. ये आपने इधर बाहर निकाल दिया बिकॉज हमारा लिमिट का तल्लुक सिर्फ n के साथ है. तो इसको आपने इस तरह लिखा 1 ओवर n की पावर 1 ओवर n एंड होल स्क्वायर. और हमें पता है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n की ताकत 1 ओवर n हमेशा 1 होती थी. भजन हमेशा क्या थी 1 होती थी. तो आपका आंसर 1 का स्क्वायर आ गया जी. भाई फाइनल वी गेट 2 इंटू एक्स मनफी 3 कम आउट. भाई आप इसकी लिमिट लगा के उसको हल करेंगे तो 2 इंटू एक्स मनफी 3 का मोड आ जाएगा. अब भाई इधर देखिएगा यहाँ से डिस्कशन शुरू होगी. सो बाय रूट टेस्ट गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. भाई एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होगा जब इसका रिजल्ट लेस देन 1 होगा जी. यहाँ से एक्स मनफी 3 का मोड क्या होगा लेस देन 1 बाय 2 जी. और डाइवर्ज कब होगा जब एक्स मनफी 3 का मोड इज ग्रेटर देन 1 बाय 2 जी. भाई जिसके ऊपर कन्वर्ज करे भाई जिसके ऊपर क्या करें जी कन्वर्ज एब्सोल्युटली जिस वैल्यू के ऊपर लिहाजा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा 1 बाय 2 जी. भाई रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा 1 बाय 2 जी. भाई जन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा 1 बाय 2 जी. भाई वी हैव रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 बाय 2 जी. भाई आपका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बन गया 1 बाय 2 बन गया जी. भाई देयर फोर एक्स मनफी 3 का मॉड इज लेस देन 1 बाय 2 जी. भाई हमें पता है एक्स मोड इज लेस दैन इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ माइनस ए इज लेस दैन इक्वल टू एक्स इज लेस दैन इक्वल टू ए. जब मोड उतारोगे तो यहाँ पे माइनस 1 बाय 2 आएगा जी. भाई तीन आपने तीनों तरफ ऐड कर दिए जी. वी हैव 5 बाय 2 इज लेस दैन एक्स इज लेस दैन 7 बाय 2 जी. इसको हम यू भी लिखा जा सकता है एक्स बिलोंग्स टू 5 बाय 2 एंड 7 बाय 2 ओपन इंटरवल जी. अब जरा देखिएगा भैया हमारे पास दो वैल्यूज हैं 5 बाय 2 एंड 7 बाय 2. दोनों को बारी बारी चेक करेंगे. पहले हमने 5 बाय 2 रखा जी. भाई गिवन सीरीज में जहाँ जहाँ एक्स है आई पुट 5 बाय 2 जी. 5 बाय 2 रखा सिंप्लीफाई किया आफ्टर कैलकुलेशन आई गेट माइनस 1 की पावर n ओवर n का स्क्वायर. भाई दिस इज अल्टरनेटिंग सीरीज. भाई जान ये कौन सी सीरीज बनेगी अल्टरनेटिंग सीरीज. यहाँ पे an का होगा 1 ओवर n स्क्वायर जी. भाई जान an क्या होगा यहाँ पे 1 ओवर n स्क्वायर जी. भाई an होगा इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an वी गेट 0. अब fx हमारे पास है 1 ओवर x के इसके ऊपर ले जाए x पर माइनस 2. इसका डेरिवेटिव क्या होगा जी माइनस 2 ओवर एक्स क्यूब विच इज नेगेटिव जी. भाई लेस देन 0 है ना सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन. लिहाजा दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है. सो बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अबव सीरीज इज कन्वर्जेंट. भाई अबव सीरीज इज कन्वर्जेंट क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है. लिहाजा एक्स इज इक्वल टू 5 बाय 2 के ऊपर सिस्टम क्या कर रहा है कन्वर्ज कर रहा है. भाई एक्स इज इक्वल टू 5 बाय 2 के ऊपर सिस्टम क्या कर रहा है कन्वर्ज. नो वी हैव एक्स इज इक्वल टू 7 बाय 2 जी. वी हैव एक्स इज इक्वल टू 7 बाय 2. इसको गिवन सीरीज में पुट करेंगे. इसको भाई किस में पुट करना है गिवन सीरीज में जी. जी आप जरा देखिए हमने पुट किया एक्स यहाँ पर 7 बाय 2. आफ्टर कैंसलेशन आई गेट समेशन 1 ओवर एन स्क्वायर विच इज़ कन्वर्जेंट बाय पी सीरीज. भाई विच इज़ कन्वर्जेंट बाय क्योंकि पावर ग्रेटर देन 1 होगी तो कन्वर्ज करेगा ना. भाई 2 है ना वो ग्रेटर देन 1 है. लिहाजा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या बनेगा 5 बाय 2 पे भी कन्वर्ज हो रहा है और 7 बाय 2 पे भी कन्वर्ज हो रहा है. जिसके ऊपर कन्वर्ज होगा उसके ऊपर क्लोज इंटरवल डाल देंगे. दोनों के ऊपर कन्वर्ज हो रहे हैं लिहाजा दोनों के ऊपर क्लोज इंटरवल आ जाएगा. भजन दोनों के ऊपर क्या आएगा क्लोज इंटरवल. नो वी हैव क्वेश्चन नंबर 13. वी हैव क्वेश्चन नंबर 13 समेशन 1 प्लस माइनस 1 की पावर n ओवर n एंड x की पावर n. भाई आपको पता है an की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास क्या है x की पावर 2n ओवर n. भाई x की पावर 2n ओवर n बिकॉज अबव सीरीज देखें n की जहाँ पे पहले 1 रखें फिर 2 रखें फिर 3 रखें अप टू सोन कहाँ तक जाना इन्फिनिट. भाई 1 रखोगे तो आंसर 0 आएगा 2 रखोगे तो ये आएगा 3 रखोगे तो 0 आएगा 4 रखोगे तो ये आएगा. भाई n की जगह पे 4 रखो n की जगह पे 5 रखो n की जगह 6 रखो और n की जगह पे आप जब 2n रखोगे भाई n की जगह पे क्या रखोगे 2n रखोगे तो आप जरा देखिएगा क्या बनेगा जी. भाई 2n रखोगे ना तो आप जरा देखें ऊपर 2 नीचे 2n और भैया आगे 2n ये सोन. भाई देखें ये चलती जा रही आधी 0 हो गई है जी. यहाँ पे एक्स स्क्र आया यहाँ पे एक्स 4 ओवर 2 आया यहाँ पे एक्स 6 ओवर 3 आया यहाँ पे एक्स 2n ओवर n आया जी. अब देखें कि ये चलता जा रहा है हमने पुट किया था 2n आधी 0 होगी बाकी आपकी कितनी रह गई n. ये nth टर्म है जी.
तो एन टर्म क्या बन गया, एक्स मॉड की पावर टू एन ओवर एन। भाई पहले जीरो रखो ना, पहले वन रखो, फिर टू रखो, फिर थ्री रखो, फिर फोर रखो, फिर फाइव रखो, फिर सिक्स रखो, अप टू सो ऑन, लास्ट में क्या रखना है टू एन। जब टू एन रखोगे ना यहाँ पे, मनफी वन की पावर टू एन का वन, वन प्लस वन टू, टू ओवर का गा टू एन, भाई टू ओवर टू एन बनेगा ना, अब बाकी एक्स पावर टू एन, बाकी का एक्स पावर टू एन जी। तो आप जरा देखेंगे हमारे पास एन टर्म बन गई, ये वाली जी एन टर्म बन गई एक्स मोड की पावर टू एन ओवर एन जी। नो वी अप्लाई रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। वैसे तो यहाँ पर रूट टेस्ट भी अप्लाई किया जा सकता है, नो इशू जी। ये एक ही करना ना, या रूट लगा लो या रेशियो, तो यहाँ पर हमने रेशियो लगा दिया। फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी, भाई लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन का मोड जी। भाई वी गेट लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी, भाई एक्स की पावर होगा टू एन प्टू ओवर भाई एन प्लस वन, इंटू क्या होगा एन ओवर एक्स पावर टू एन जी। भाई आपका बनेगा इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फ्रॉम एल हॉस्पिटल लगाओगे तो आपका आंसर एक्स मोड का स्केयर आएगा, भाई एक्स मोड का स्केयर आ गया भाई, जना आपका आंसर आ गया एक्स मोड का स्केयर जी। तो अब जरा देखें, आपने यहाँ से डिस्कशन करनी है, गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली, जब एक्स मोड का स्केयर क्या होगा लेस देन वन, यहाँ से एक्स मोड का होगा लेस देन वन, जजर ले लो ना, एंड डाइवर्जेस जब एक्स स्केयर का मोड ग्रेटर देन वन होगा, एक्स मोड का होगा ग्रेटर देन वन जी, या एक्स मोड का होगा ग्रेटर देन वन जी। भाई देयर फॉर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकला है वन जी, भाई देयर फॉर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का निकला है वन, लिहाजा एक्स मोड चूंकि पता है लेस देन वन है, जब मोड उतारोगे तो माइनस वन इज लेस देन एक्स इज लेस देन वन। इसको यूं भी लिखा जा सकता है, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस वन टू वन जी। नो हमारे पास दो वैल्यूज है माइनस वन और वन, पहले हमने रखा एक्स इज इक्वल टू माइनस वन जी। भाई पूरे सिस्टम के अंदर जो हमारे पास था एन टर्म, एक्स जब माइनस एन वन रखा, वी गेट मनफी वन की पावर टू एन ओवर एन, तो आपके पास आ गया वन ओवर एन जी। भाई क्या आ गया, वन ओवर एन आ गया जी। अब आपको पता है विच इज़ डाइवर्जेंट बाय पी सीरीज, भाई ये डाइवर्ज करेगा बाय पी सीरीज जी। भाई डाइवर्ज कर क्योंकि पावर ग्रेटर देन वन हो, कन्वर्ज होता है पावर लेस इक्वल टू वन होता है डाइवर्ज होगा जी। नो वेन एक्स एक्स इज इक्वल टू वन, तो आपके पास बनेगा एक्स की पावर टू एन ओवर एन। भाई आपने इसको सिंप्लीफाई किया स्टेप बाय स्टेप, तो आपका आ गया समेशन वन ओवर एन, विच इज़ अगेन डाइवर्जेंट बाय पी सीरीज। भाई विच इज़ अगेन डाइवर्जेंट बाय पी सीरीज, लिहाजा आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा माइनस वन टू वन। भाई इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा माइनस वन टू वन, चूंकि उसके ऊपर भी डाइवर्ज है, इसके ऊपर भी डाइवर्ज है, जब दोनों के ऊपर डाइवर्ज होगा तो आंसर ओपन इंटरवल आएगा जी। भाई जन क्या आएगा, ओपन इंटरवल जी। भाई जान जब दोनों के ऊपर डाइवर्ज हो रहा है, माइनस वन के ऊपर भी ओपन इंटरवल आ रहा है और वन के ऊपर भी क्या आ रहा है, ओपन इंटरवल। लिहाजा अगर क्लोज होता, अगर क्लोज होता तो फिर कन्वर्ज होना था, चूँकि ये दोनों भाई जन डाइवर्ज कर रहे थे, लिहाजा दोनों के ऊपर ओपन इंटरवल जी। नो वी हैव क्वेश्चन नंबर 14, भाई समेशन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ओवर 12 एंड होल पावर एन, वी टेक इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, वी टेक इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू एंड अप्लाई रूट टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, क्योंकि पावर एन है ना, आपने ए एन की पावर ए एन मोड की पावर वन ओवर एन ली थी। वी हैव एक्स मोड का स्क्वायर प्लस थ्री ओवर 12, सो बाय रूट टेस्ट गिवन सीरीज इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट जब आंसर क्या होगा लेस देन वन होगा जी। भाई जन जब आंसर क्या होगा लेस देन, भाई कन्वर्ज एब्सोल्यूटली करेगी जब आंसर क्या होगा लेस देन वन जी। भाई कन्वर्ज एब्सोल्यूटली होगा जब आंसर क्या होगा लेस देन वन जी। भाई जन कन्वर्ज एब्सोल्यूटली होगा जब आंसर क्या होगा लेस देन वन जी। एंड इज डाइवर्जेंट, और डाइवर्जेंट कब होगा, जब एक्स मोड का स्क्वायर प्लस थ्री ओवर 12 क्या होगा ग्रेटर देन वन जी। अब देखें आपको पता है बिकॉज एक्स मोड का स्क्वायर प्लस थ्री ओवर 12 इज लेस देन वन जी। भाई 12 को इधर जरा दे दें, 3 को इधर ले जाएं, वी गेट एक्स मोड का स्क्वायर इज लेस देन 9 एंड एक्स मोड इज लेस देन 3। भाई ये हमारी बात बनी थी क्योंकि हमारे एक्स का कॉफिन 1 होना चाहिए थी, लिहाजा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा 3। भाई रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा 3। अब हमारे पास रिजल्ट है एक्स मोड इज लेस देन इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ माइनस ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए। भाई जब मोड उतारोगे तो माइनस थ्री इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल लेस देन थ्री आएगा जी। इसको यूं भी लिखा जा सकता है एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस थ्री टू थ्री। भाई ओपन इंटरवल माइनस, क्योंकि यहाँ पे लेस है ना, लेस है, अगर लेस इक्वल होता है या लेस इक्वल होता तो भाई यहाँ पे क्लोज आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे लेस की आवाज़ आ रही थी। अब आपने बारी बारी दोनों को पकड़ा, पहले एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री रखा जी। आपने गिवन सीरीज में जहाँ जहाँ एक्स था माइनस थ्री पुट किया, हल करने के बाद आपके पास ये आ गया
इसको यू कैन राइट दिस समेशन वन ओवर एन की पावर जीरो विच इज डाइवर्जेंट बाय पी सीरीज भाई, विच इज डाइवर्जेंट बाय पी सीरीज, क्योंकि पावर ग्रेटर देन वन हो तो कन्वर्ज होता है, पावर लेस इक्वल टू वन हो तो डाइवर्ज। अब वेन एक्स इज इक्वल टू थ्री, जब एक्स का होगा थ्री होगा, गिवन सीरीज क्या बनेगी भाई, उसी तरह जहाँ जहाँ एक्स है थ्री पुट करेंगे। आफ्टर कैंसिलेशन अगेन वी रिपीट प्रीवियस मैथड, वी गेट समेशन वन ओवर एन की पावर जीरो विच इज डाइवर्जेंट बाय पी सीरीज, विच इज डाइवर्जेंट सीरीज बाय पी सीरीज, क्योंकि पावर ग्रेटर देन वन हो तो कन्वर्ज होता है, पावर लेस इक्वल टू वन हो डाइवर्ज। लिहाजा आपका जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बनेगा माइनस थ्री और सी, और दोनों के ऊपर ओपन इंटरवल आएगा बिकॉज दोनों के ऊपर सीरीज क्या कर रही, डाइवर्ज कर रही है भाई, दोनों के ऊपर सिस्टम का रहा डाइवर्ज, लिहाजा दोनों के ऊपर क्या कहा ओपन इंटरवल। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 15, समेशन माइनस वन की पावर एन एक्स की पावर एन ओवर एन, आगे एल एन एन का स्क्वायर भाई। क्वेश्चन नंबर 15, समेशन माइनस वन की पावर एन एक्स की पावर एन ओवर एन, आगे एल एन एन का स्क्वायर जी, जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो एक्स मोड की पावर एन ओवर एन आगे एल एन एन का स्क्वायर भाई। जब एन प्लस वन लिखोगे ना भाई, जहाँ जहाँ एक्स है एन है वहाँ वहाँ एन प्लस वन लिखो जी। नो अप्लाई रेशियो टेस्ट, अप्लाई रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी ए एन प्लस वन ओवर बाई जन ए एन का मोड, ए एन प्लस वन की वैल्यू की ए एन को उल्टा के मल्टीप्लाई किया। नो अगर देखें आपने एक्स मोड बाहर निकाल दिया, लिमिट एन अपॉचिट इन्फिनिटी एन ओवर एन प्लस वन लादा कर दिया, और लिमिट एन अपॉचिट इन्फिनिटी एल एन का स्केयर और एल एन प्लस वन का स्केयर लादा कर दिया, एक फैमिली लादा एक फैमिली लादा भाई। यहाँ पे इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म बनेगा जी, यहाँ पे आप एल हॉपिटल रूल, और यहाँ पे भी इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म बनेगा एल हॉपिटल रूल भाई। अगेन आपने यहाँ से ये खाता लादा कर दिया और ये खाता लादा कर दिया, यहाँ पे फिर आपने एल हॉपिटल रूल वन आ जाएगा जी, ऊपर वाली को लादा डिफरेंशिएट, नीचे वाली को यहाँ पे ऊपर आएगा वन ओवर एन, नीचे वन ओवर एन प्लस वन भाई। लॉग वाली को किस तरह डिफरेंशिएट करते हो, वन ओवर एन जी, एल एन एन प्लस वन का वन ओवर एन प्लस वन, अगेन वी सेट हेयर एंड इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म द एल हॉपिटल रूल जी भाई, ये वन हो जाएगा एंड फाइनल यू विल सी एक्स मोड आएगा जी भाई, फाइनल क्या आएगा एक्स मोड जी। देखने को मुश्किल काम नहीं है, हमने सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। सो बाय रेशियो टेस्ट गिवन सीरीज इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट भाई, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट कब होगा, जब एक्स मोड इज लेस देन वन होगा जी, एंड डाइवर्ज कब होगा, जब एक्स मोड इज ग्रेटर देन वन, देयरफॉर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा वन जी भाई। ये जो वैल्यू होती है ना इसके ऊपर क्या होगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकला है वन जी। अब एक्स मोड इज लेस देन वन, जब मोड उतारोगे तो भाई माइनस वन इज लेस देन एक्स इज लेस देन वन भाई, जब मोड उतारोगे तो वी गेट दिस भाई। इसको यूं भी लिखा जा सकता है एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस वन टू वन। अब आपके पास दो वैल्यूज हैं, एक है माइनस वन और एक है वन, पहले माइनस वन लिया, गिवन सीरीज बिकम्स भाई जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ माइनस वन पुट किया भाई। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट वन ओवर एन आगे एल एन एन का स्क्वायर भाई, विच इज कन्वर्जेंट सीरीज बाय इंटीग्रल टेस्ट भाई। आपने इसको कन्वर्जेंट कहा बाय इंटीग्रल टेस्ट, इसके ऊपर इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई किया तो ये कन्वर्ज कर गया जी। अब देखते हैं कैसे जी, ए एन हमारे पास है वन ओवर एन आगे एल एन एन का स्केयर जी भैया, आपने इसको एफ एक्स में कन्वर्ट किया, डेरिवेटिव लिया, योर डेरिवेटिव इज नेगेटिव भाई, डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा ना, अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आए तो डिक्रीजिंग होगा जी, और जो डिक्रीजिंग होगा वो कंटिन्यूस भी होगा, और जो कंटिन्यूस और डिक्रीजिंग हो उसके ऊपर इंटीग्रल टेस्ट लगेगा। वी हैव टू टू इन्फिनिटी एफ एक्स टी एक्स भाई, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इन्फिनिट की टी रखो और लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको ऊपर ले जाओ पावर क्या होगी माइनस टू जी। आगे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो भाई जन पावर में एक जमा वही नीचे जी भाई। आप जरा देखें लिमिट सप्लाई करें तो वी विल, आप देखें कि अगर ये नेगेटिव गायब करना हो तो लिमिट्स को इंटरचेंज कर दें जी भाई जन, लिमिट्स को क्या कर दें जी इंटरचेंज। वी गेट लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन ओवर एल एन एक्स एंड टी टू इन्फिनिटी टी टू टू जी भाई, टू से टी कर लो या टी से टू कर लो जी। आप देखें कि हमने इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो इंटीग्रल टेस्ट में क्या होता है जी, जी आपके पास आ गया लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जी भैया वन ओवर एल एन टू माइनस वन ओवर एल एन टी जी भाई, टी की जगह पे इन्फिनिट रखो, योर आंसर इज वन ओवर एल एन टू, फाइनाइट है जी। इंटीग्रल टेस्ट में अगर आंसर फाइनाइट आएगा तो भैया गिवन सीरीज क्या करेगी कन्वर्ज, गिवन सीरीज भैया क्या करेगी कन्वर्ज। नो व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन जी,
भाई जान जहाँ जहाँ एक्स है वन, तो भैया ज़्यादा देखो जी आपके पास होगा माइनस वन की पावर एन, वन की पावर एन ओवर एन आगे एल एन एन का स्केयर भैया आप ज़्यादा देखो ना, ये हमारे पास बन गया आफ्टर कैंसिलेशन जी। अब अल्टरनेटिंग सीरीज है जी भाई, दिस इज अल्टरनेटिंग सीरीज, तो यहाँ पे ए एन लेना ही आपने पॉजिटिव है जी भाई। इस माइनस वन की वन वन माइनस वन की पावर एन से आप क्या बोलेंगे अल्टरनेट, ए एन का वन ओवर एन एल एन एन, इसके ऊपर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन, योर आंसर इज जीरो भाई, योर आंसर इज जीरो। अब एफ एक्स हमारे पास क्या जी, ये है इसके ऊपर भैया डब डेरिवेटिव लोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, आपने अभी पिछले स्टेप में किया जी। लिहाजा फंक्शन डिक्रीजिंग भी है और लिमिट भी जीरो है, तो अल्टरनेटिंग सीरीज क्या करेगी कन्वर्ज, लिहाजा अल्टरनेटिंग सीरीज क्या करेगी कन्वर्ज। जब अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्ज करें तो भाई दिन क्या बनेगा जी, सो बाय इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या बनेगा, माइनस वन टू वन जी भाई, माइनस वन के ऊपर भी कन्वर्ट था और वन के ऊपर भी कन्वर्ट था भाई, माइनस वन के ऊपर भी कन्वर्ट था, वन के ऊपर भी कन्वर्ट था, दोनों के ऊपर क्या क्या क्लोज इंटरवल जी भाई। देखो माइनस वन के ऊपर भी कन्वर्ट था, वन के ऊपर भी कन्वर्ट था, जब कन्वर्ट होगा तो दोनों के ऊपर क्या डालेंगे, क्लोज इंटरवल जी।